हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 14 जुलाई 2018 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 14 जुलाई के लास्ट 24 आवर के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके साथ इस वीडियो में वो शेयर करूंगा, प्लस जुलाई मंथ के अभी तक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, ताकि आपका करंट डे का प्लस जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी रिविजन होता रहे। एंड इफ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कि उस टाइम फ्रॉम 13 जुलाई 2018 कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ पे हुई, कौन सी सिटी में हुई है? तो आपको इसका आंसर बताना मुझे इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हो वीडियो, देन श्योरली इजली यू कैन आंसर दिस। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कैपिटल पनिशमेंट फॉर ड्रग ऑफेंसेस? तो कौन सी कंट्री ने ये अप्रूव किया कैपिटल पनिशमेंट फॉर ड्रग ऑफेंसेस? तो आपको इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट 14 जुलाई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस नो हेलमेट नो पेट्रोल रूल? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ कि अगर आप हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप से? तो ये हुआ, ये रूल पास हुआ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन है, द क्रिकेटर एंड दिस क्रिकेटर, आपको ये बताना है कि मतलब कौन से क्रिकेटर ने फ्रॉम ऑल 12 साल पहले इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से, इंडियन टीम से, यहाँ से इन्होंने ले लिया था संन्यास। तो अब इन्होंने ऑल फॉर्मेट्स लाइक किसी भी कम्पिटिटिव क्रिकेट से इन्होंने हर जगह से रिटायरमेंट ले ली। तो आपको ये बताना है कि इस प्लेयर का नाम क्या है। तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर थे एंड उस टाइम मेरे ये फेवरेट भी हुआ करते थे, तो काफ़ी अच्छे फील्डर भी थे युवराज सिंह और इन दोनों की जोड़ी। तो इनका नाम है मोहम्मद कैफ। तो इन्होंने अभी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, मोहम्मद कैफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड एट IAAF अंडर 20 एथलेटिक चैम्पियनशिप? तो कौन सी वुमेन बनी जिन्होंने अंडर 20 में ये गोल्ड जीता है IAAF वर्ल्ड कप में? तो वर्ल्ड में ये बताना आपको कि इंडिया की फर्स्ट बनी वुमेन। तो इनका नाम क्या है, हिमा दास, एंड शी इज़ फ्रॉम आसाम स्टेट्स हैं ये। तो हिमा दास। देन विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कंसोलिडेटेड ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम रिसेंटली? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये फर्स्ट, तो है क्या ये कंसोलिडेटेड ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जितने भी ब्रिजेस हैं ना, जो रेलवे के ब्रिजेस हैं जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह चलते हैं, उन सबको ये देखेंगे, मतलब उनको एनालाइज करेंगे क्या है उनकी कंडीशंस देखेंगे, मतलब आप उनको सब अपने नजराने मतलब लेंगे अपने करेंगे एनालाइज वगैरह करेंगे ये सब कुछ। तो ये आपको बताना है कि किसने ये स्टार्ट किया। और बेसिक बात है रेलवे के रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ही किया होगा। एंड राइट नाउ जो इस टाइम हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। तो ये क्वेश्चन है साथ में इसके इंपॉर्टेंट, पीयूष गोयल राइट नाउ द रेलवे मिनिस्टर, एंड ये इसे लॉन्च किसने किया, ब्रिज मैनेजमेंट सोलिडिटी ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई नहीं यहाँ पे टाइप हो पाया, इंडियन आर्मी ही रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम विद विच पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन डिफेंस सैलरी पैकेजेस? मतलब डिफेंस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी पैकेज के लिए एक मेमोरेंडम साइन हुआ, उन सब की सैलरी के रिलेटेड जितने भी होंगे वो कौन पास करेगा? तो वो करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने जो आपके साथ शेयर किए फ्रॉम 14 जुलाई 2018। एंड नाउ कुछ क्वेश्चंस जो जुलाई मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड एक चीज़ और शेयर करूंगा कि मेरा ये रहता है कि मेरे करंट अफेयर्स वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा सिंपल वे में आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मैंने भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे हैं जो करंट अफेयर्स हैं। मतलब अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर, हम सेक्शन करंट अफेयर एक ऐसी सेक्शन है जो मतलब एग्ज़ाम में अब डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे न्यू, एंड ज़्यादा भी कर पाना मेरे को लगता है कि वो इतना इजी नहीं हो पाता, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमें पढ़ना भी पड़ता है। तो अब करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में बता दिया कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है।
अब कई बार ऐसा होता है कई वीडियोस मैंने इसको इतना स्ट्रेच करके बताया, एक एक चीज़ बताते, अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के भी आपको साथ में बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के भी बारे में रिलेटेड भी जितनी छोटी 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 इन्फॉर्मेशन वो पॉसिबल नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है, टू द पॉइंट आंसर बताया जाए एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, करता भी हूँ एंड उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आ रही होगी। सो नाउ कुछ क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जुलाई मंथ के एंड रिसेंटली शेयर भी किए हैं तो आई थिंक आप सबको आते भी होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है टू डे बिम्स्टेक सुमिट विल बी हेल्ड फ्रॉम 31 अगस्त, तो कौन सी कंट्री से ये मीटिंग स्टार्ट होगी 31 अगस्त से, तो ये होगी नेपाल से। एंड बिम्स्टेक ये बेसिकली ग्रुप ऑफ 7 नेशंस है, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। देन उसके बाद इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेट फ्री एंड फेयर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव्ड नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी को किसने, नेट न्यूट्रलिटी एक फेयर सिस्टम होगा लाइक सारे ऐप्स, सब ऐप्स की स्पीड जैसे यूट्यूब चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, सबकी कॉन्स्टेंट स्पीड चलेगी, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा कि इसकी स्पीड कम है इसकी ज़्यादा है, वो स्लो चल रहा है सर्वर, सबकी स्पीड न्यूट्रलिटी होगी। तो ये दिस वाज अप्रूव्ड बाय टेलीकॉम कम्युनिकेशन। Then we stay topped the ease of doing business ranking in recently released business reform action plan. तो किस स्टेट ने टॉप किया, तो ease सबसे आराम से वहाँ स्टेट में बिजनेस हुआ, ease of doing business मेन वही हो गया, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। देन कौन से चेयरमैन बने, ये रिसेंटली कल क्वेश्चन पूछा था विनेक नायडू, जो मैंने जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेमोरेंडम को साइन किया। देन किस कंट्री के साथ 5 मेमोरेंडम साइन हुए इंडिया के, साउथ कोरिया के साथ ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड कौन सा नेवल शिप जिसने एंटर किया सबंग इंडोनेशिया में, वारशिप है भाई, तो आंसर इज INS सुमित्रा। एंड कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी तरह सोलर सिस्टम पे चलेगा, सोलर पावर पे चलेगा, वडोदरा एयरपोर्ट गुजरात में। देन उसके बाद पोल्यूशन पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को, जो सबसे बेस्ट एवर वोटेड बुक रही मैन बुकर प्राइज विनर के लिए, तो आंसर इज इंग्लिश पेशेंट। देन किस नेशन के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ कि वो टैक्सेस कम करेंगे ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो आंसर इज चाइना। देन कौन सी जगह स्टेट में थर्मोकोल कटलरी का बैन हुआ, थर्मोकोल प्लास्टिक प्लेट्स का, तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। सबसे हाईएस्ट वोल्केनो जिसने सेकंड बने इंडिया के, जिनका नाम सत्यरूप सिद्धांत था, जिन्हें स्केल किया, फर्स्ट थे वो थे माली मस्तान बाबू। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका, आई होप आप अगर वीडियोस देख रहे होगे तो श्योरली आपको ये एक सेकंड में आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। देन कौन से क्रिकेटर बने जिन्होंने 500 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले पूरे, उन्होंने ये पूरा कर लिया, माइलस्टोन पूरा किया, MS धोनी एंड इससे पहले सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड। एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, आंसर इज आदर्श कुमार गोयल। एंड ये कम्युनिटी काम करती है कंजर्वेशन ऑफ फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये इसके जो न्यू अपॉइंट हुए मेंबर चेयरपर्सन, आंसर नाम है आदर्श कुमार गोयल। सो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो, मैंने थोड़ी जल्दी भी बिकॉज मैं एक रिवाइज आपके साथ डेली करना चाहता हूँ ताकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डेली सामने रहें, तो आप इसलिए लास्ट एट द एंड हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, क्यूज रखेंगे, तो आप उसमें आई होप अगर आप डेली देख रहे हो तो 90% यू कैन आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।